सो हाई एवरी वन, दिस इज़ मयंक कोठारी एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो फॉर SFM इम्प्रूवमेंट्स. लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस मैनुअल के बारे में बताया था, हाउ इम्पॉर्टेंट द प्रैक्टिस मैनुअल इज़. क्लास के नोट्स बाजू में, प्रैक्टिस मैनुअल पहले. दिस इज़ द सेकेंड वीडियो एंड आई एम गोइंग टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट टिप विथ यू. एंड लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग दिस मिस्टेक. लाइक आई एम श्योर दैट 80% ऑफ द पीपल आर नॉट गोइंग टू डू दिस फॉर द कमिंग एग्जाम. सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ माई जॉब, इट इज़ माई ड्यूटी टू लेट यू नो वॉट इज़ दैट. तीन चीज़ें ज़रूरी होती है आपकी प्रिपरेशन के लिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लो. सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझना चाहिए. आप खुद भी एनालाइज करके देख सकते हैं कि अगर मैं कॉन्सेप्ट्स ना पढ़ूं और डायरेक्टली मैं इस पे चले जाऊं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो डजेंट मेक एनी सेंस. बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय पर कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को मान लेते हैं कि चलो ऐसा आया तो ऐसा करेंगे, फिर वो मान के चल लेते हैं. प्रॉब्लम क्या होती है कि अगली बार अगर आपकी सिचुएशन बदल गई तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे. सो कॉन्सेप्ट फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज़ प्रैक्टिस, एंड द थर्ड थिंग एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वीडियो इज़ एग्ज़ाम पेपर या मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, आप प्रैक्टिस मैनुअल पूरी सॉल्व करो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, लेकिन उसके बाद कम से कम पिछले 8 एग्ज़ाम के पेपर्स, पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स ऑफ SFM ओनली जो इंस्टीट्यूट ने लिए हुए, वो डाउनलोड करो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से और सॉल्व करो 10:30 बजे से बैठ के, लाइक 10:30 से 11:30, 12:30 और 1:30 बजे तक बैठ के 3 घंटा एग्ज़ाम कंडीशन में वही एनवायरनमेंट में बैठो, टाइमर लगा के एंड सॉल्व करो. 1:30 बज गया, आधा घंटा ब्रेक ले लो, जो भी खाना पीना है आपने. 2 बजे आप सजेस्टेड आंसर्स डाउनलोड करो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से और खुद के ही आंसर चेक करो कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हो. आई हैव चेक लॉट ऑफ पेपर, जैसे कि आपने एक वीडियो भी देखा होगा, मैंने अपलोड किया था सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ SFM. लाइक आई एम आस्किंग यू पीपल कि आप यार सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगाओ, मेरे को दो, तो मैं चेक करता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे भी उससे पता चलता है कि बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ या फिर आपको जैसे इस वीडियो में बता रहा हूँ तो मैं प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊँगा. सो इन पुराने अटेम्प्ट्स में पेपर चेक करने के बाद में मेरे को पता चला कि सिली मिस्टेक्स एग्ज़ाम की वजह से, एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं एंड लॉट ऑफ थिंग, और कम से कम 10 मार्क्स आपके ऐसे बढ़ सकते हैं. सो मान के चलिए कि अगर आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया होगा और आप फेल हो गए और कुछ 4-5 मार्क्स से फेल हुए होंगे, तो देर वुड हैव लाइक देर वॉज अ चांस कि अगर आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते तो 10 मार्क्स तो एटलीस्ट बढ़ सकते थे. सो वॉट आई एम टेलिंग यू इज़ मेक श्योर कि 2 क्वेश्चन कम सॉल्व किए चलेगा, 8 पेपर या 6 पेपर, एक जितना हो सकता है पास्ट एग्जाम पेपर्स डाउनलोड करो और सॉल्व करो. देखो टेस्ट सीरीज लगाते हो बहुत ही अच्छी बात है, कोई पेपर फैकल्टी चेक करके देता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आई नो बहुत जगह पे ये चीज़ें नहीं अवेलेबल है. लाइक 80% ऑफ द प्लेसेस पे नोबडी इज़ प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ सर्विस. सो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन, कोई ले कोई ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाओ, मोबाइल से आप डाउनलोड करो पेपर, पेपर लेके बैठो और सॉल्व करो. जब आपका लाइक कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस आपकी एक बार की कंप्लीट हो जाती तो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम की प्रैक्टिस या टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस, वो कंडीशन की प्रैक्टिस कभी नहीं करते. सो वो प्रेशर हम पे बिल्डअप हो ही नहीं पाता कभी भी. और क्या होता है ना, कई बार प्रेशर में आप आती हुई चीज़ों को भी भूल जाओगे. लाइक आपको पता है, ठीक है, लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको पता है कि आपके घर का एड्रेस क्या है, ठीक है, मैं शांति से पूछूंगा आप बता दोगे. लेकिन मान लो कि आप घर पे बैठे हो, मैं एकदम से आपके घर में घुसता हूँ और आपको बोलता हूँ कि बताओ 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 तुम्हारे तो तुम तेरा एड्रेस क्या है, तेरा एड्रेस क्या है, आप घबरा जाओगे, आप नर्वस हो जाओगे और आपको 1 सेकंड लगेगा क्लिक होने में, ये बोल क्या रहे, यू विल टेक टाइम और हो सकता है आप भूलो भी आधी बार. सो जो प्रेशर या नर्वसनेस या कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, सिचुएशन बदल जाती है तब आपको आती हुई चीज़ें भी याद नहीं आएगी. सो घर में बैठो, घर में 8 बार पेपर सॉल्व करो, घर में गलतियाँ करो. इट्स ऑल ओके टू फेल एट होम बट नॉट एट ऑल ओके टू फेल इन एग्जाम सेंटर. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू इन दिस वीडियो. प्लीज़ मेक श्योर दैट आप मॉक टेस्ट पेपर दो, और वो भी 6-7-8, कम से कम 6 पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं. सो आप अंदाज़ा लगा के देख लो, आप अगर 10:30 बजे से लेके बैठते हो तो 1:30-2 तो आपको सिर्फ पेपर देने में लगेंगे और उसके बाद में और 2 घंटे तो कम से कम एनालाइज करने में लगेंगे. सो
तकरीबन 6 पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 3 दिन, या मैं आधा दिन पकड़ के चल रहा हूँ, 3 दिन तो लगने ही है, अकॉर्डिंगली टाइम निकाल के रखो। सो आपने अगर 3 रिवीजन का सोच के रखे हो तो 3rd रिवीजन फॉर मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर रखना। मिस्टेक्स होगी उसमें, डैम श्योर। प्लीज़ एनालाइज़ करो कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। आप क्या 3-4 बार वही वही मिस्टेक करोगे ना, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा अबे हाँ जब एग्ज़ाम में जाऊँगा तो ये चीज़ नहीं करनी है। आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करोगे ना एग्ज़ाम में, सो यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, और आपको पता भी नहीं होती वो मिस्टेक्स ऐसी होती, क्योंकि जब तक तक आपके हाथ में पेपर आता ही नहीं, जब तक आप बुलाते नहीं हो सर्टिफाइड कॉपीज, रिजल्ट के बाद पेपर आता नहीं, और लाइक यार मेरे को मार्क्स कम क्यों मिले। सो दिस हैज़ हैपन्ड विद लॉट ऑफ पीपल एंड दिस इज़ फैक्ट आई एम टेलिंग यू, कि बहुत सारे पेपर चेक करने के बाद में बहुत सी सिली मिस्टेक्स थी बच्चों की, कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी, आती हुई चीज़ों में आप गलत कर देते हो। सो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये मतलब पूरी 2 साल तक मेहनत करने के बाद में ऐसी मिस्टेक्स करके फेल होना इज़ वेरी बैड। चलो आता ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था तो फेल हुआ इज़ ऑल ओके, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बट पढ़ने के बाद में भी, मेहनत करने के बाद में भी 6 महीने बर्बाद जब होते हैं तो बहुत बेकार लगता है। सो टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, डोंट वेस्ट इट। आई एम डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग, मेरी बात मानो, मैं गारंटी देता हूँ कुछ ना कुछ तो फ़र्क आपको ज़रूर नज़र आएगा इस एग्ज़ाम में। एक कॉन्फिडेंस अलग से आता है जब आप एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व करते हो, और एंड जस्ट सी कि आपको अगर खुद को टेस्ट करके देखना है ना, दैट दिस इज़ द बेस्ट ऑफ बेस्ट वे टू टेस्ट योर सेल्फ। पिछले एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व करना, यानी वो लेवल के पेपर सॉल्व करना, 8 बार उस लेवल से अगर आप गुजर जाओगे तो और एक बार जो आने वाला है वो आपको इतना डिफ़िकल्ट लगेगा ही नहीं। सो जस्ट गो थ्रू इट एंड आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। बाय बाय।